So in the second question of category 3, it is given that cos alpha plus 2 cos beta plus 3 cos gamma equals to sin alpha plus sin 2 sin beta plus 3 sin gamma equals to 0. And we have to prove that sin 3 alpha plus 8 sin 3 beta plus 27 sin 3 gamma equals to 18 times of sin alpha plus beta plus gamma. So अगर आप question number first को observe करेंगे, तो question number first में हमने prove किया था कि if a cos alpha plus b cos beta plus c cos gamma equals to a sin alpha plus b sin beta plus c sin gamma equals to 0, then a cube into sin 3 alpha plus b cube into sin 3 beta plus c cube into sin 3 gamma equals to 3 times of abc into sin alpha plus beta plus gamma. तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3. सो यहाँ पर अगर मैं a 1 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा sin 3 अल्फा, b अगर मैं पुट करूँ 2 तो यहाँ पे 2 का क्यूब होगा 8, तो यहाँ देखिए मुझे 8 मिला है. देन c यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 का क्यूब होगा 27, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 27 मिला, ठीक है. देन 1 इंटू 2 इंटू 3 करूँ तो 6 होगा, तो ए बी सी का आंसर होगा 6, 6 इंटू 3 क्या होगा 18, ओके. सो यहाँ पर 18 प्रेजेंट है. सो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी स्टेप्स फॉलो किए हमने, दैट इज सबसे पहले हमने इसको ऐड किया आई टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन में, देन रियल एंड देन मैंने जिनके जिनके एंगल सेम थे उनको साथ में लिया, देन एक्स वाई जेड उन्हें नाम दिए, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, देन बी वाई इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ साइन बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा. सिमिलरली फिर एक्स प्लस वाई जेड को मैंने का क्यूब मैंने फाइंड किया, देन वो इक्वेशन लगा के मैंने सॉल्व किया. यहाँ पे मुझे वही करना है, बस यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दी हुई है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को रेफर कीजिए, एक्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3.